अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज लॉकडाउन डे है 26 दिन से मैं और आप सब घरों में बंद हैं। मुझे ऐसे ही लगता है कि लॉकडाउन जब कम्प्लीटली ख़त्म होगा तो हर घर से एक शाका निकलेगा और उसके बालों की कंडीशन बिल्कुल इसकी जैसी हो चुकी होगी। तो मेरे बालों की भी कंडीशन और बियर्ड की कंडीशन काफ़ी मैसी हो चुकी थी, और आप लोग ये देखें पिक्चर्स में कि क्या कंडीशन हो चुकी थी मेरी। लेकिन अभी आप लोग नोटिस करेंगे मेरे बिल्कुल बाल फ्रेश हो चुके हैं, बियर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, और मैंने बिल्कुल फ्रेश कटिंग करवाई है। और ये कटिंग मैंने कैसे करवाई आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा। एक्चुअली मैंने अपने हेयर ड्रेसर को फ़ोन किया और उसको बोला कि यार क्या किया जाए, शॉप तुम ओपन कर नहीं सकते तो मुझे तो कटिंग लाजमी करवानी है। तो उसको फिर मैंने बोला कि प्लीज़ तुम घर पर आ जाओ। मेरा हेयर ड्रेसर मेरे घर पे आया अपने सीजर्स और जो भी थोड़ा बहुत उसके पास घर पे सामान पड़ा था क्योंकि शॉप उसकी बंद थी, वो लेके आ गया मेरे घर पे। और मैंने घर में से कैसे कटिंग करवाई आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा। कोरोना वायरस की वजह से जो भी माइंड में डर थे तो उसको पहले दूर किया, उसके सीजर्स को और कॉम को डिटॉल से वॉश करके, देन इवन के मैंने जो उसका जो कपड़ा होता है जो ऊपर कटिंग के वक्त डालते हैं मैंने वो भी यूज़ नहीं किया। मैंने उसको बोला घर पे हूँ, खैर है तुम बगैर कपड़े के मेरी कटिंग स्टार्ट करो, बाद में मैं शॉवर ले लूँगा। तो आप लोग देखें कि मैंने उसे कैसे कटिंग करवाई अपने घर पे। तो और अपने बार्बर से आप भी रब्ता करें, इस यही एक लास्ट हल है अपने आप को नीट एंड क्लीन रखने का और प्रॉपर अपनी कटिंग करवाने का। मेरा बहुत से दोस्त मेरे और जानने वाले अपनी कटिंग खुद ही घर पर करें और बिल्कुल बेड़ा करा कर ली उन्होंने अपनी कटिंग का, और या मोस्टली लोगों ने अटेंड कर लिया। तो मैं ये चीज़ नहीं करना चाह रहा था, मैं अपनी प्रॉपर लुक ही कैरी करना चाह रहा था। तो देखें आप लोग मैंने उसे कैसे कटिंग करवाई।